फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से आप जो वाइवा में पूछे जाने वाले जो है क्वेश्चन, जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। एक स्पेशल कलेक्शन जो है टेक्सटाइल फाइबर का जो है मल्टीपल चॉइस का ये लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से आपको आने वाले जो है फ्यूचर में काफी जो है हेल्प मिलेगा। तो आइए मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं वाइवा जॉब्स इंटरव्यू। इस लेक्चर से पहले प्रीवियस हमने जो है दो लेक्चर इंटरव्यू से रिलेटेड हमने दिया है, जॉब्स इंटरव्यू फॉर स्पिनिंग जॉब्स एंड जॉब इंटरव्यू फॉर वीविंग जॉब। उस लेक्चर को आप जो है इससे पहले आप एक बार जरूर सुन लें, जिसमें आपको जो है काफी हेल्प मिलेगा कि इंटरव्यू से इंटरव्यू वाइवा से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इंटरव्यू वाइवा के बाद हमें क्या, ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए एंड इंटरव्यू के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है उसको आप देख लें। ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। टेक्सटाइल फाइबर इज ए बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल एंड ऑल फर्दर प्रोसेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। हमारा जो टेक्सटाइल फाइबर है एक महत्वपूर्ण जो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल फाइबर, टेक्सटाइल मटेरियल जो हमारे डिफरेंट प्रोसेस हैं स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग गारमेंट्स, उसका एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है। क्योंकि टेक्सटाइल फाइबर हर डिपार्टमेंट से, हर जो स्पिनिंग वीविंग डाइंग हर जो है डिपार्टमेंट से जो है रिलेटेड होता है, तो इसकी नॉलेज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको टेक्सटाइल फाइबर की जो है सही अच्छी नॉलेज है तो आप जो प्रोसेसिंग है फाइबर की, स्पिनिंग वीविंग डाइंग और गारमेंट की जो प्रोसेसिंग है वो आपके लिए काफी आसान हो जाती है एक टेक्नोक्रेट के रूप में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो इस वजह से जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप टेक्सटाइल फाइबर की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके और भी महत्वपूर्ण जो है पैरामीटर पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स को आप जाने। द लेक्चर इज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्सटाइल स्टूडेंट एंड टेक्नोक्रेट हु आर इंटरेस्टेड टू जॉब इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाइक स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग गारमेंट एंड एसक्यूसी। आप जो है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है काम करना चाहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा स्पिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गारमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, निटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। दिस गिवन क्वेश्चन एंड आंसर विल बी हेल्पफुल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। आपको ये लेक्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आउटर सरफेस और स्किन ऑफ कॉटन फाइबर इज कॉल्ड ल्यूमेन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड क्यूटिकल। इसका आंसर होगा क्यूटिकल। जो कॉटन फाइबर की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर या स्किन जो होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से जूट फाइबर को हम प्राप्त करते हैं, बार्किंग प्रोसेस, स्टेम्स प्रोसेस, बॉलिंग प्रोसेस एंड रेटिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग प्रोसेस से हम जूट फाइबर को हम प्राप्त करते हैं। जूट के स्टेम से हमें जो फाइबर प्राप्त होता है वो हमारा जो प्रोसेस होता है वो रेटिंग, उसको हम रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्वायर फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, क्वायर फाइबर जो हमें किससे मिलता है, कोकोनट प्लांट से, कॉटन से, शिप हेयर से एंड कोकून ऑफ सिल्क वर्म। तो हमें जो है कोकोनट प्लांट से हमें जो है क्वायर फाइबर मिलता है। तो इसका आंसर है कोकोनट प्लांट। इनर मोस्ट हॉलो कैनल रनिंग द लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर इज कॉल्ड, कॉटन फाइबर के लेंथ के डायरेक्शन में जो हॉलो पोर्शन है, कैनाल, हॉलो कैनाल है, उसको हम क्या कहते हैं। ल्यूमेन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड क्यूटिकल। ये जो हमारा फाइबर है कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर के हम इनर पोर्शन को ल्यूमेन कहते हैं। इसका आंसर है ल्यूमेन। हाउ फाइननेस इज स्पेसिफाइड फॉर कॉटन,
कॉटन की फाइननेस को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, माइक्रोन, माइक्रोनियर, डेसीटेक्स, डेनियर? इसका आंसर होगा माइक्रोनियर। कॉटन फाइबर की फाइननेस को हम माइक्रोनियर में डिफाइन करते हैं। द मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल, यस और नो? यस, सेल वॉल के डेवलपमेंट के साथ हमारी कॉटन फाइबर की मेच्योरिटी बढ़ती जाती है। इन मेच्योर फाइबर डाई एब्जॉर्प्शन इज हाई, यस और नो? यस, मेच्योर फाइबर जो है डाई आसानी से जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। डाइंग ऑफ सिल्क इज कैरिड आउट बाय यूजिंग, जो है सिल्क की डाइंग जो है एसिड डाई, बेसिक डाई, रिएक्टिव डाई, डिस्पर्स डाई, एसिड डाई जो है डाइंग ऑफ सिल्क इज कैरिड आउट बाय एसिड डाई। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ नायलॉन सिक्स फाइबर, नायलॉन सिक्स फाइबर का जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, क्या होता है? तो नायलॉन फाइबर का 200, यहाँ हमारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन में हमारा जो है 200 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है 200 नायलॉन फाइबर का। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन 66 का पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो नायलॉन 66 का पॉलीमराइजेशन 50-80 के बीच में नायलॉन का पॉलीमराइजेशन, नायलॉन 66 का पॉलीमराइजेशन होता है। व्हिच इज वीकेस्ट इंटरपॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा जो है सबसे कमजोर बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड क्रॉस लिंक बॉन्ड। यहाँ पे हमारा आंसर होगा वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स सबसे जो है वीक जो है फोर्स लगता है। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन, कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या होगा? गॉसिपियम हर्सुटम एंड गॉसिपियम हर्सुटम, गॉसिपियम बारबासियम एंड गॉसिपियम हर्सुटम, ये हमारा जो है कॉटन का जो है बॉटनिकल नेम है। डायमीटर ऑफ वूल फाइबर यूज फॉर कारपेट इज द रेंज ऑफ 30-40 माइक्रॉन, ये जो है यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में जो है हमारा 30-40 माइक्रॉन होगा। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड कोकोन सिल्क, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, तो हम इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क वार्म सिल्क के पालन को जो है, सिल्क के खेती को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीफ फाइबर, कौन सा लीफ फाइबर है? रेमी, बनाना, फ्लैक्स, सीसल, सीसल इज लीफ फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग मेल्ट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी, मेल्ट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होने वाले फाइबर का नाम बताइए। ये हमारे ऑप्शन है विस्कोस, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, लॉयसिल एंड क्यूप्रोमोनियम रेयन। यहाँ पे हमारा जो फाइबर है लॉयसिल, लॉयसिल जो है यहाँ पे हमारा जो है प्रोड्यूस होगा किससे? मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस से। द इनकरेक्ट, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। द इनकरेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जूट इज मल्टी सेलुलर फाइबर, कैप्रोलैक्टम इज रॉ मेटेरियल ऑफ नायलॉन सिक्स, द डेंसिटी ऑफ PET यानी पॉलिस्टर इज मोर देन ऑफ कॉटन, विस्कोस इज रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। ये हमारे तीन स्टेटमेंट सही है, हमारा जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। द डेंसिटी ऑफ PET पॉलिस्टर फाइबर इज मोर देन कॉटन, कॉटन से ज्यादा होती है, ये हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉटन की जो है डेंसिटी ज्यादा होती है पॉलिस्टर से, ये हमारा सही स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। द डैश लिंकेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वूल, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका आंसर होगा सल्फर। द सल्फर लिंकेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वूल। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस पॉलिस्टर, नायलॉन 6, नायलॉन 66, पॉलीप्रोपाइलिन, इसका आंसर होगा पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन जो है कंडेंसेशन से हमें नहीं मिलता है। इज डैश इज एन इलास्टोमेरिक फाइबर, कौन सा इलास्टोमेरिक फाइबर है? स्पेंडेक्स, नायलॉन, कॉटन, एसीटेट, स्पेंडेक्स इज एन इलास्टोमेरिक फाइबर, तो इस ऑप्शन होगा ए, स्पेंडेक्स इज इलास्टोमेरिक फाइबर। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन ऑफ जूट, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 13.75 हमारा मॉइस्चर रिगेन ऑफ वूल होगा। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन ऑफ विस्कोस एंड सिल्क,
ये हमारे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में जो है 11% जो हमारा जो है विस्कोस का जो है मॉइस्चर गेन होता है। व्हाट इज मॉइस्चर गेन ऑफ कॉटन, ये हमारे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में हमारा 8.5 जो है मॉइस्चर गेन ऑफ कॉटन। व्हाट इज मॉइस्चर गेन ऑफ वूल, वूल का मॉइस्चर गेन क्या होगा, तो ये ऑप्शन है, इनमें हमारा ऑप्शन है 16 होगा। व्हाट इज मॉइस्चर गेन ऑफ नायलॉन, ये ऑप्शन है, इसमें हमारा जो है ऑप्शन होगा 4 हमारा जो है मॉइस्चर गेन नायलॉन का मॉइस्चर गेन होगा 4। व्हाट इज मॉइस्चर गेन ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का मॉइस्चर गेन कितना होगा, ये हमारे ऑप्शन है मॉइस्चर गेन का, ये पॉलिस्टर का मॉइस्चर गेन होगा 0.4। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेबल फाइबर, कौन सा वेजिटेबल फाइबर नहीं है, फ्लैक्स, सिल्क, हेम, जूट, तो हमारा सिल्क जो है वेजिटेबल फाइबर नहीं है, सिल्क हमारा प्रोटीन फाइबर है। फ्रॉम विच प्लांट लिनन फाइबर प्रोड्यूस, लिनन फाइबर हमारा किस प्लांट से जो है प्रोड्यूस होता है, कैनबिस, कॉटन, एप, हेम्प्स एंड फ्लैक्स, तो हमारा जो है फ्लैक्स, फ्लैक्स के प्लांट से जो है कॉटन हमारा लिनन फाइबर प्राप्त होता है। ए फाइबर दैट इज वेरी कंफर्टेबल टू वियर, पहनने के लिए जो सबसे कंफर्टेबल हमारा जो फाइबर है, स्पेंडेक्स है, पॉलिस्टर है, जूट है, कॉटन है, कॉटन जो है सबसे जो है कंफर्टेबल फाइबर होगा इन इन दीज ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड, वूल से जो है वूल जो प्राप्त होने का जो मेथड है वो उसको हम क्या कहते हैं, जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, शियरिंग। शियरिंग वूल, वूल जो हमें जो जिस मेथड से हमें वूल शीप से जो है वूल प्राप्त होता है उसको हम शियरिंग बोलते हैं, कटिंग शियरिंग होती है, तो ऑप्शन हमारा शियरिंग होगा। वेजिटेबल फाइबर आर मेड ऑफ जो है वेजिटेबल फाइबर जो है किससे बना होता है, सेलुलोज, प्रोटीन, नायलॉन, रेयन, सेलुलोज से वेजिटेबल फाइबर हमारा किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। टफनेस ऑफ फाइबर हैज डिफरेंट इफेक्टिव ऑन यार्न एंड फाइबर स्ट्रेंथ, यस आर नो, टफनेस फाइबर की जो टफनेस है वो किसको इफेक्ट करती है, यार्न के किस यार्न इफेक्ट ऑन यार्न एंड यार्न फाइबर स्ट्रेंथ को जो है इफेक्ट करती है, यस, लेंथ ऑफ वूल फाइबर यूज्ड फॉर कारपेट इज एंड द रेंज ऑफ जो है वूल फाइबर की लेंथ जो कारपेट के लिए सुटेबल होती है, कारपेट में इस्तेमाल होती है, वो हमारी रेंज है। ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन से 75 to 120 mm जो बेस्ट सुटेबल रेंज होती है, लेंथ ऑफ वूल फाइबर यूज जो हम जनरली यूज करते हैं। शॉर्ट फाइबर डिटेरियोरेट द यार्न स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी, ट्रू आर फॉल्स, ट्रू, शॉर्ट फाइबर हमारे यार्न की जो है स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी को डिटोरिएट करता है। व्हाट इज टेनेसिटी, टेनेसिटी क्या होती है, इसका आंसर होगा द टेनेसिटी ऑफ फाइबर इज मास स्ट्रेस एट ब्रेक, टेनेसिटी ऑफ फाइबर इज मास स्ट्रेस एट ब्रेक, यूनिट होती है हमारी ग्राम पर टेक्स। व्हाट इज द लेंथ विथ रेशियो ऑफ कॉटन, कॉटन का लेंथ और विथ रेशियो क्या होता है, आंसर होगा हमारा 350:1 to 6000:1, इसके बीच में हमारे जो है कॉटन फाइबर की लेंथ टू ब्रेथ रेशियो जनरली होती है। कॉटन इज डिजॉल्व इनटू 70% एस टू एसओ फोर, यस आर नो, यस, कॉटन 70% एस टू एसओ फोर में डिजॉल्व हो जाएगा। विस्कोस इज डिजॉल्व इन 35% एस टू एसओ फोर, यस आर नो, यस, विस्कोस 35% एस टू एसओ फोर में डिजॉल्व हो जाएगा। नायलॉन इज डिजॉल्व इनटू 20% HCl फिनाइल, यस आर नो, यस। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर का पॉलीमराइजेशन नंबर ऑफ कितना होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है कितने होंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, ये हमारी ऑप्शन है, इन ऑप्शन में 5000 नंबर ऑफ पॉलीमराइजेशन कॉटन फाइबर का होगा, नेचुरल पॉलीमराइजेशन होता है 5000। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीईटी, पॉलिस्टर फाइबर का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ये हमारे गिवन ऑप्शन है, इनमें होगा 260 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो है पॉलिस्टर का जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। एस्पेक्ट रेशियो लेंथ टू डाया, एस्पेक्ट रेशियो लेंथ टू डाया इन केस ऑफ स्टिफल फाइबर इज जनरली ऑर्डर ऑफ, स्टिफल फाइबर के केस में लेंथ टू विथ रेशियो, लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो है हमारा फाइबर का कितना होता है,
ये ऑप्शन होगा जो है जनरली कितना होता है, ये हमारा ऑप्शन होगा, ये जो गिवेन ऑप्शन है इसमें होगा 1000:1, जनरली हमारा लेंथ टू ब्रेथ रेशियो जो है 1000:1 होता है। सेरिकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, रेयरिंग ऑफ शेप, कॉटन प्लांटेशन एंड रेयरिंग ऑफ हनी बी। तो सेरिकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, सेरिकल्चर जो है सिल्क के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर कहते हैं, रेयरिंग। द स्पिनिंग पीवीए फाइबर, द ब्रॉडली यूज सॉल्वेंट इज वाटर, डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑल ऑफ द एबव। जो है ये दोनों ही डीएमएसओ यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को ही डीएमएसओ कहते हैं, और वाटर इसमें जो है यानी ये दो जो है पीबीए दोनों में जो है डिजॉल्व होगा, यानी हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। एंड व्हिच प्रोसेस फ्लीस ऑफ शिप विथ स्किन इज आर रिमूव, इन किस प्रोसेस ए इन व्हिच प्रोसेस फ्लीस ऑफ शिप विथ स्किन इज आर रिमूव, हमारा ऑप्शन होगा सेविंग, रिफाइनिंग, शेयरिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा शेयरिंग प्रोसेस है, शिप से फ्लीस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम शेयरिंग कहते हैं। द फाइबर दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ओ फाइबर, जो नाइट्रोजन और सल्फर रखता है, पॉलिस्टर, ऊल, नायलॉन 6, केवलॉन, केवलार। जो हमारा ऊल फाइबर, ऊल फाइबर में जो हमारा नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही होंगे। Which country is the most producing silk is in the world? China, India, Bangladesh, Japan. हमारी जो country होगी जो सबसे ज्यादा जो silk का production करती होगी China. China जो है silk का सबसे ज्यादा production करता है। Which of these fiber does not comes from a plant? कौन ये जो इनमें से कौन सा fiber है जो plant से नहीं मिलता है? Hemp, cashmere, linen, cotton. कैश्मेरे, कैश्मेरे जो है हमें प्लांट से नहीं मिलता है, एनिमल फाइबर। बाय रिफरेंस ऑफ फिलामेंट यार्न इज रिफ्लेक्ट टू इट्स, यानी बाय रिफरेंस जो है किससे संबंधित है? क्रिस्टलिनिटी, ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल फिलामेंट डेनियर एंड डेंसिटी। तो बाय रिफरेंस ऑफ फिलामेंट यार्न इज रिलेटेड टू इट्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, मॉलिकुलर ओरिएंटेशन। वेट स्पिनिंग टेक्निक इज commercially used to produce filament yarn of polypropylene, polyester, nylon 6/6 and acrylic. तो weight spinning में ये जो option हमें दिए हुए हैं, इन option से हमारा acrylic होगा। acrylic fiber की spinning जो है weight spinning से सबसे ज़्यादा जो है acrylic fiber की spinning weight spinning से की जाती है। The highest washing fastness in dyed cotton fabric would be obtained if the dye fiber bond is ionic, हाइड्रोजन, कोवलेंट, वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ पे होगा आयनिक। रिलिंग ऑफ सिल्क इज, सिल्क की रिलिंग क्या होती है? ये जो हमारे ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रिल, द स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, द वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून। ये हमारा ऑप्शन होगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून, दैट इज कॉल्ड रिलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क वार्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ फैट, सेलुलोज, प्रोटीन, नायलॉन। तो सिल्क वार्म सीक्रेट द फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से जो है। फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर इज कॉटन, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। मैन मेड फाइबर, हमारा पहला मैन मेड फाइबर कौन सा है? तो हमारा मैन मेड फाइबर है पहला नायलॉन, नायलॉन जो हमारा फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग, गनी बैग में जो है कौन सा फाइबर इस्तेमाल किया जाता है? कॉटन, जूट, ऊल, पॉलिस्टर, जूट। सही ऑप्शन है हमारा जूट, जूट फाइबर जो है यूज किया जाता है गनी बैग। फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग जो है कौन से जो है इस स्टेटमेंट को जो है फिलअप करिए। डैश एंड फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल, यानी सिल्क एंड ऊल फाइबर, सिल्क एंड ऊल फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क फाइबर, ऑप्शन है हमारा जो है सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ऊल यील्डिंग एनिमल बियर डैश ऑन देयर बॉडी, ऊल हेयर, हेयर ऑन देयर बॉडी, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ डैश
which is a poor dash of it. Hair trap a lot of air, which is a poor conductor of heat. Various steps involved of obtain wool from the fleece are given here. जो हमें wool fleece मिलता है उसमें हमारे various process involved होते हैं. इसको सही क्रमबद्ध आपको करना है. जो एक क्रम हमारे दिए हैं इनको सही क्रमबद्ध करना है. पिकिंग आउट बर डाइंग इन वेरियस कलर, सियरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग. राइट द एबव स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे आर कैरिड आउट. जो इनको एक सही सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है. तो पहला ऑप्शन होगा इसमें से सियरिंग. सियरिंग हमारा पहला ऑप्शन होगा. उसके बाद स्कोरिंग होगा, उसके बाद शॉर्टिंग होगा, उसके बाद पिकिंग होगा, उसके बाद जो है डाइंग होगा. तो ये हमारे सही ऑप्शन होंगे सीक्वेंस में. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट. जो है ये जो फाइबर है ये विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो इन द बेस्ट इन ब्लैक एंड ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन, फ्लैक्स, जूट, कोकोनट. तो ये हमारा जो है कॉटन होगा. कॉटन फाइबर के लिए बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट होता है ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट. द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉटन इज डैश बीन शेप, डॉग बोन शेप, राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा बीन शेप. फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल से जो फाइबर प्राप्त होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर. उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. Which one of the following is not a natural fiber? इसमें से कौन सा natural fiber नहीं है? Cotton, flax, wool, nylon. हमारा nylon fiber जो है natural fiber नहीं है. Which type of shawl are woven from the fur of Kashmiri goats? Kashmiri goats से जो है बनने वाला जो shawl होती है उसको हम क्या कहते हैं? पश्मीना, पारसी, कश्मीरी, शिमला. तो इसको हम बोलते हैं पश्मीना. पश्मीना जो हमारी शॉल होती है जो कश्मीरी गोट से जो है कश्मीरी गोट के ऊन से बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस. इस सीक्वेंस को आपको पूरा करना है. क्वेश्चन सियरिंग, क्वेश्चन मार्क, शॉर्टिंग. तो सियरिंग के बाद जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है स्कोरिंग. यानी सियरिंग के बाद हमारा जो ऊन प्रोसेस में होता है स्कोरिंग प्रोसेस होता है. एबाका ए लीफ फाइबर बिलोंग टू हिच फैमिली. किस फैमिली से जो है एबाका बिलोंग करता है? बनाना, पाइनएप्पल, बम्बू, शीशर. यहाँ हमारा सही ऑप्शन है बनाना. एबाका जो है बनाना फाइबर है. क्रिस्टलाइन. यहाँ पे हम जो है कुछ आपको टेबल्स दे रहे हैं जिस जो आपको काफी हेल्पफुल होंगी आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर. फाइबर का क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे. एमॉर्फस रिजिन, हम एमॉर्फस रिजिन किसको कहते हैं? एंड इन एमॉर्फस रिजिन द पॉलीमर आर ओरिएंटेड आर अलाइंड एट रैंडम. जब हमारा पॉलीमर जो है फाइबर में पॉलीमराइजेशन में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस रिजिन. लाइक दैट यहाँ पे आपका जो है मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रैंडम डायरेक्शन में है. और ये हमारे जो मॉलिक्यूल ये आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन रिजिन. इन क्रिस्टलाइन रिजिन द पॉलीमर आर ओरिएंटेड आर अलाइंड लॉन्गिट्यूडनली इन द मोर आर लेस पैरेलल ऑर्डर. कह रहे कि जो हमारे मॉलिक्यूल जो है मोर यानी कम या ज्यादा जो है पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन रिजिन. तो ये हमारा जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है पैरेलल अरेंज है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन रिजिन. और वो एरिया जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में है उसको हम इस एरिया में जहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में इसको हम बोलेंगे जो एमॉर्फस रिजिन. और वो एरिया जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल पैरेलल अरेंज है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन रिजिन. उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन रिजिन. तो ये हमारा एमॉर्फस रिजिन है और ये हमें जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल पैरेलल अरेंज है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन रिजिन. ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में जहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे अरेंज हैं प्रॉपर तरीके से पैरेलल एक दूसरे के ये एरिया हमारी क्रिस्टलाइन रिजिन हो जाती है. और इसी फाइबर में मॉलिक्यूल जो है जहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में है वहाँ उसको हम बोलेंगे एमॉर्फस रिजिन. तो ये हमारी जो है क्रिस्टलाइन रिजिन हो जाएगी और ये एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में होंगे ये हमारा एमॉर्फस रिजिन हो जाएगा.
तो इस तरीके से आप एमार्फस और क्रिस्टलाइन रिजिन को आप आसानी से समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन रिजिन, एमार्फस मोर एमार्फस एंड मोर क्रिस्टलाइन। अगर मोर एमार्फस है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी फाइबर की, मोर एब्जॉर्बेंट, फाइबर हमारा मोर एब्जॉर्बेंट होगा, और क्रिस्टलाइन है तो लेस एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे अगर एमार्फस है वीकर, क्रिस्टलाइन में स्ट्रॉन्गर, लेस ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, मोर इजली डिग्रेडेड बाई केमिकल, लेस इजली डिग्रेडेड बाई केमिकल, मोर इजली डाइड, लेस इजली डाइड, मोर प्लाइएबल, सॉफ्टर हैंडल एंड लेस प्लाइएबल, स्टीफर हैंडल, प्लास्टिक मोर इजली डिस्टॉर्टेड, एंड क्रिस्टलाइन के केस में लेस प्लास्टिक रेजिस्टेंस बीइंग डिस्टॉर्टेड। तो ये जो है हम इस एमार्फस और क्रिस्टलाइन रिजिन के से जो हमारे फाइबर पे मॉलिक्यूल जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम जो है देख रहे हैं यहाँ पे। पॉलीमर सिस्टम, सम कॉमन फाइबर जो है हमारा जो पॉलीम आपका जो है एमार्फस और क्रिस्टलाइन रिजिन है, वो एमार्फस और क्रिस्टलाइन रिजिन हमारा कितना इस किस फाइबर में कितना होता है उसको हम देख रहे हैं। फाइबर एमार्फस रिजिन क्रिस्टलाइन रिजिन, कॉटन फाइबर में हमारा जो है एमार्फस रिजिन 30-35% रेंज परसेंटेज होगा और क्रिस्टलाइन एरिया हमारी होगी 65-70%। और इस तरीके से हमारा फ्लैक्स है, फ्लैक्स में भी यही रेंज होता है हमारा, या नाइलॉन है, नाइलॉन में 15-35% और क्रिस्टलाइन रिजिन होगा 85-65%। तो ये हमारा जो है एमार्फस और क्रिस्टलाइन डिफरेंट फाइबर में एमार्फस और क्रिस्टलाइन का परसेंटेज है, इसको आप ध्यान दें, इसको आप टेबल को जो है ध्यान से देख लें, याद कर लें, जो आपको काफी हेल्पफुल होगे। सोर्स ऑफ प्रोटीन फाइबर, हमारा प्रोटीन फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है। वूल फाइबर हमारा शिप से, मोहेर अंगूरा गोट से, कैश्मेरे हमारे कैश्मेरे गोट से, कैमल हेयर फ्रॉम कैमल, रैबिट हेयर फ्रॉम रैबिट, हॉर्स हेयर फ्रॉम हॉर्स, एल्पाका लॉम्बा से जो है लॉम्बा से मिलता है। स्पिनिंग मेथड ऑफ डिफरेंट पॉलीमर जो है, डिफरेंट जो अलग अलग पॉलीमर है, मैनमेड फाइबर है, उनकी स्पिनिंग जो है किस मेथड से होती है। नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलीन की हमारी जो स्पिनिंग होती है मेल्ट स्पिनिंग से, सेल एसीटेट विनाइल की हमारी ड्राई स्पिनिंग होती है, और विस्कोस, कैसियन फाइबर, एक्राइलिन एंड विनाइल लॉन एंड पीवीसी जो है हमारे वेट स्पिनिंग सिस्टम से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेक्सटाइल फाइबर डेंसिटी जो हमारे फाइबर की फाइबर डेंसिटी है, अलग अलग फाइबर की हमारी डेंसिटी जो है अलग अलग होगी। तो इस टेबल के माध्यम से हम आपको जो है कुछ डेंसिटी दे रहे हैं जो जिसको आप जो है ध्यान से जो है देख लें, याद कर लें कि किस फाइबर की डेंसिटी कितनी होगी। कॉटन है 1.54, फ्लैक्स 1.50, जूट 1.50। इस तरीके से हाँ जो है सभी फाइबर की जो है डेंसिटी है। हमारा नायलॉन फाइबर है 1.14, और एक्रेलिक फाइबर 1.14-1.17, ये हमारे फाइबर की डेंसिटी है। डेंसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट जो है वाटर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में ये हमारे जो फाइबर है लाइट है या हेवी है। स्टेबल लेंथ ऑफ कमर्शियल फाइबर जो है, कमर्शियल फाइबर की जो कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर की लेंथ क्या होगी। सीज लेंथ अराउंड 5 सेंटीमीटर, इजिप्शियन कॉटन बिटवीन 3.7-4.5 सेमी, ब्राजीलियन कॉटन 3-4 सेमी, अमेरिकन 2.5-3.5 सेमी, इंडियन कॉटन जो है 2-3 सेंटीमीटर, एंड चाइना कॉटन बिटवीन 1.5-2 सेमी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्राई कॉटन, जो हमारा कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर में केमिकल कंपोजिशन सेल्लोज 88-97%, जनरली 94% हमारा सेल्लोज होता है कॉटन फाइबर में। तो ये हमारे कॉटन फाइबर का जो है केमिकल कंपोजिशन है जिसमें जनरली सेल्लोज 88-97% और अदर हमारे जो है इम्प्योरिटीज होती हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल फाइबर, यहाँ पे इस टेबल से जो है जो अदर वेजिटेबल फाइबर है उनका हम केमिकल कंपोजिशन आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लें, कॉटन है, ये कॉटन का सेल्लोज 93%, हेमी सेल्लोज और लिग्निन, पेक्टिन, वैक्स, एस जो है ये हमारे जो है दिए हुए हैं। तो कपॉक का है, कपॉक में सेल्लोज जो है 64%। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर है जो है नेचुरल फाइबर का, आप इसको इस टेबल के माध्यम से आप देख लें। रेटिंग ऑफ फाइबर, फाइबर की जो है बास्ट फाइबर की हम रेटिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो है प्रोसेस एंड ड्यूरेशन, ड्यू रेटिंग है और जो है आप ड्यू रेटिंग जो है 7-15 डेज, स्टेगमेंट वाटर रेटिंग, रनिंग वाटर रेटिंग एंड केमिकल रेटिंग, ये हमारी जो है रेटिंग का ड्यूरेशन है।
आप यहाँ से रेटिंग देख लें, डिफरेंट केमिकल इन सिल्क, सिल्क में जो है सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर में हमारे अलग अलग वेरायटी होती है, मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मुगा सिल्क है, इरी सिल्क है, इसमें जो फिब्राइन सेरिसिन की हमारी वैल्यू जो है वेरी करती है। फिब्राइन हमारा मेन सिल्क फाइबर है और सेरिसिन जो हमारा वैक्स लाइक दैट वैक्स के रूप में जो है कोटेड होता है सिल्क फाइबर के ऊपर, फिब्राइन के ऊपर। तो ये हमारी मलबरी सिल्क में 70-80% और सेरिसिन 20-30%, टसर में 80-90% हमारा फिब्राइन होता है, सेरिसिन 8-10%, ये हमारा रेशियो है, ये आप देख लें। फाइबर सॉल्युबिलिटी टेस्ट, फाइबर जो है सॉल्युबल किस मीडियम में हमारा सॉल्युबल होगा फाइबर, कॉटन 75% HUS4 में डिजॉल्व हो जाता है, वूल एंड सिल्क फाइबर 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है, और इस तरीके से हमारे जो अलग अलग फाइबर जो है इन केमिकल में जो है डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल होगा, ये जो हमने टेबल दिया है काफी हेल्पफुल होंगे। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए जो है मल्टीपल चॉइस का जो कलेक्शन है आपको वाइवा इंटरव्यू जॉब्स एंड रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।